उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब सिंध को भारत में शामिल कराने को लेकर के बड़ा बयान दिया है। अब तक सिंध को भारत में वापस शामिल करने की बातें हो रही थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया है, जो बताता है कि भारत न सिर्फ सिंध प्रांत को लेकर गंभीर है, बल्कि अब उस पर व्यापक चर्चा भी चाहती है। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत है, पंथ है, उपासना विधि है। इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर हम 500 वर्षों में भगवान राम के जन्म स्थान को पा सकते हैं, तो कोई कारण नहीं कि हम सिंध को वापस ना ले पाएं। लखनऊ में सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया यूथ विंग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सिंधी अधिवेशन में योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज के साथ राष्ट्र को भी मजबूत करें, ताकि 1947 जैसी त्रासदियां फिर से कभी ना आए। हमारी प्राथमिकता में राष्ट्र की एकता और अखंडता होनी चाहिए। हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने वाले को कतई छोड़ना नहीं चाहिए। वही आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि देश है तो धर्म है, धर्म है तो समाज है, और समाज है तो हम है और हमारा अस्तित्व है। उन्होंने आगे कहा कि 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, तो कोई कारण भी नहीं बचता जिससे सिंधु यानी कि सिंध प्रांत जो कि अब पाकिस्तान में है उसे वापस ना लिया जाए। इस बात को सिंधी समाज को अपने वर्तमान पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने वालों का मुंह तोड़ जवाब देना है, हमें तैयार रहना चाहिए। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पद्म भूषण पंकज आडवाणी को शेर ए सिंध सम्मान से सम्मानित किया। पंकज 25 बार विश्व बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियन रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने इंदौर के सांसद शंकर लाल वानी, लखानी समूह के अध्यक्ष SN लखानी और प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता श्रीराम छबलानी और टेक महिंद्रा के भारत के प्रमुख राजेश चंद्र रमानी और VIP को फाउंडर सोनाक्षी लखानी को सम्मानित किया। बयान के अनुसार कार्यक्रम में भारत के 10 राज्यों के 225 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था।